पिछले साल का जो बच्चे को फॉलो किए थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया था। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे जो एज पर गाइडलाइन स्लीवलेस हाफ स्लीवलेस नहीं पहन गए थे उनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं बच्चा जो स्टूडेंट है इसे फुल शर्ट पहन के गया था तो उसके अंत में जो टीचर है जो इंडिकेटर है उसके कटिंग कर दिया गया और वो चेंज नहीं किया। तो फिर इनका इयर रिंग है उसको हटाया गया, फिर इनका भी जो स्लीवलेस है हाफ किया गया। तो ये सब इसका रिकॉर्ड है, आपको क्या लेकर जाना हेयर क्लिप जो भी गर्ल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर भी मेडिकल जाते हैं तो फिर हो सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है नीट 2023 जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं 7 मई 2023 को, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। और आपको एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपको क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर एनटीए गाइडलाइन। तो चलते हैं फटाफट। और अगर अगर आप ये चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो मैं दिखाऊंगा रिकैप कि पिछले साल या उससे पिछले बहुत सारे बच्चे को परेशानी झेलना पड़ा है। और केरला का केस आप जानते हैं, जो पिछले साल जुलाई में एग्जाम हुआ था नीट का, तो केरला में बहुत सारे कांड हुए थे, इनके ऊपर FIR भी किया गया था, बट वो भी गलत था। बट आपको अपना केयरफुल रहना है क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है, ना कि आपको वहां पे किसी और प्रॉब्लम में फंसना है। तो आप क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि पिछले साल का जो बच्चे रूल को फॉलो नहीं किए थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया था। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे जो एज पर गाइडलाइन स्लीवलेस हाफ स्लीवलेस नहीं पहन के गए थे उनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं ये बच्चा जो स्टूडेंट है इसने फुल शर्ट पहन के गया था तो उसके अंत में जो टीचर है जो इन्विजिलेटर है उसका कटिंग कर दिया गया अगर वो चेंज नहीं किया तो। फिर इनका जो इयर रिंग है उसको हटाया गया, फिर इनका भी जो स्लीवलेस है हाफ किया गया। तो ये सब पिछला रिकॉर्ड है, आपको क्या लेकर जाना है हेयर क्लिप, जो भी गर्ल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई मेटालिक लेके जाते हैं तो फिर वो फंस सकते हैं। क्लियर, प्लास्टिक पाउच लेके नहीं जाना है, कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है, क्लियर, पेन लेके नहीं जाना है, स्केल लेके नहीं जाना है, इरेजर लेके नहीं जाना है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक सेकेंड, इरेजर लेके नहीं जाना है, ओके यहां आप देख सकते हैं इरेजर लेके नहीं जाना है, वन सेकेंड प्लीज, ओके इरेजर लेके नहीं, ओ माय गॉड व्हाट हैपनिंग हियर, वन सेकेंड, ओके नाउ, ओके इरेजर लेके नहीं जाना है, राइटिंग पैड लेके नहीं जाना है, लॉग टेबल लेके नहीं जाना है, टेक्स्ट मटेरियल आपको लेके नहीं जाना है, ओके फ्रेंड आई थिंक दिख रहा होगा, ओके मे बी सम प्रॉब्लम, बट अब देखते पेन ड्राइव लेके नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन और स्कैनर लेके नहीं जाना है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर कैलकुलेटर राइटिंग पैड पेन वगैरह नहीं लेके जाना है, बिल्कुल केयरफुल रहना है। नेक्स्ट आते हैं, अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो भी नॉट अलाउड है मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आपको अलाउड नहीं है, क्लियर, पेजर भी अलाउड नहीं है, ओके आपको ब्लूटूथ लेके नहीं जाना है, ईयरफोन लेके नहीं जाना है, ईयरफोन लेके नहीं जाना है, क्लियर, बैग लेके नहीं जाना है, जो गर्ल्स हैं उनका हैंड बैग लेके नहीं जाना है, और जो पेजर है मैंने बोल दिया, हेल्थ बैंड, आपको हेल्थ बैंड भी लेके नहीं जाना है, रिस्ट वॉच जो होता है ना हेल्थ बैंड वो भी लेके नहीं जाना है। जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स जो भी मेल कैंडिडेट है उनको अपना पर्स वॉलेट लेके नहीं जाना है, बेल्ट में अगर बकल है मतलब अगर मेटालिक है तो प्लीज बी केयरफुल, निकालना पड़ सकता है और वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है कहीं पे रखने का, क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आपको। और आपको माइक्रोफोन लेके नहीं जाना है, इतना तो आप समझदार हैं। तो ये आपको पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपके लिए आसानी हो। अब बात करते हैं रिस्ट वॉच आपको नहीं पहन के जाना है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ को, ब्रेसलेट बॉयज को नहीं पहनना है जो मेटालिक ब्रेसलेट होता है ना बाला वाला, वो भी नहीं पहनना है उनको, गर्ल्स को भी नहीं पहनना है मेटालिक बिल्कुल, क्योंकि फिर वो कैमरा लेके नहीं जाना है, तो ये आपके साथ कंडीशन है। फिर गर्ल्स के लिए ऑर्नामेंट्स और मेटालिक आइटम आपको यूज नहीं करना है, तो गर्ल्स के लिए प्लीज आप लोग इयर रिंग या फिर जो भी होता है ऑर्नामेंट्स वो बिल्कुल ना पहन के जाए, नहीं तो फिर वहां पे आपको निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद आपको कहाँ रखना है इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, तो ये वो आपके साथ प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज आप ना पहन के जाए, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं वाटर बोतल फूड पैकेट्स आपको लेके नहीं जाना, क्लोज या ओपन फूड पैकेट्स नहीं लेके जाना है, वाटर बोतल लेके नहीं जाना है, क्लियर। लेकिन अगर आपके वो जो ट्रांसपेरेंट बोतल होता है ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिखता है वो आप लेके जा सकते हैं, क्लियर,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम आते हैं ड्रेस कोड पे, तो पहले हम लोग गर्ल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्रेस कोड में आपको क्या क्या नहीं पहनना है, तो आपको लेगिंग्स नहीं पहनना है, हेयर क्लिप नहीं लगाना है, जींस नहीं पहनना है, शूज तो बिल्कुल ही नहीं पहनना है, शूज बिल्कुल अलाउ नहीं है, शूज क्लियर फ्रेंड, शूज इज नॉट अलाउड। और हील शूज तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, हील शूज नॉट अलाउड। फिर आपको फुल स्लीवलेस क्लॉथ नहीं पहनना है, ओके, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी है टी शर्ट वगैरह यू फुल स्लीव नहीं पहनना है। तो क्या पहनना है, आपको हाफ स्लीव पहन सकते हैं, सलवार पहन सकते हैं, स्लीपर या सैंडल आप पहन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ना कि आप वहां पे कोई और प्रॉब्लम के चक्कर में पड़े, क्लियर। तो ये सब चीज आपको पहले से पता रहेगा तो रिलैक्स होकर आप एग्जाम दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, बॉयज के लिए क्या है, ड्रेस कोड क्या है, तो इनका इनको पहन के जाना है हाफ स्लीवलेस शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हैं, और लोअर पैजामा पहन सकते हैं, जींस हल्का जींस पहन सकते हैं, ओके। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग लोअर जो कंफर्टेबल है वो पहन के जाइएगा, तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा, एग्जाम में आप कंफर्ट होकर एग्जाम दे पाएंगे, ओके। स्लीपर पहन के जा सकते हैं और एक सैंडल भी पहन के जा सकते हैं, फुल स्लीवलेस आपको शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनना है, जींस नहीं पहनना है, और जो आपके पास कार्गो जींस है जिसमें नंबर ऑफ पॉकेट ज्यादा होते हैं वो नहीं पहनना है, शूज बिल्कुल नहीं पहनना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड, नहीं तो फिर आप नीट के अलावा और भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, तो उसमें फंस जाइएगा। अब क्या है, पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को बिल्कुल एग्जाम सेंटर पे 1:30 के पहले भेज दे, 1:30 के बाद एंट्री नहीं होगा। और आपको क्या क्या लेके जाना है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एडमिट कार्ड अलोंग विथ पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स्ड ऑन इट, एडमिट कार्ड पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो फिक्स करके लेके जाना है, पहला पॉइंट है। ऑनलाइन पासपोर्ट साइज सॉरी वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज टू बी अफिक्स्ड ऑन अटेंडेंस शीट, एक एक्स्ट्रा आपको फोटोग्राफ्स लेके जाना है जो वहां पर अटेंडेंस शीट पे अटैच करना होगा। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है वैलिड, क्लियर फ्रेंड, नो प्रॉब्लम, यहाँ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वन पासपोर्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट कार्ड साइज 4 इंच x 6 इंच कलर फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड शुड बी पेस्टेड ऑन द प्रोफॉर्मा डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड एंड शुड बी हैंड ओवर टू इन्विजिलेटर एट द सेंटर। तो एडमिट कार्ड के साथ एक और आपको मिलेगा अटैच फाइल, जो प्रोफॉर्मा है उस पर आपको 4 इंच x 6 इंच का पासपोर्ट कार्ड साइज का फोटो उस पर अटैच करके व्हाइट बैकग्राउंड आपको लेके जाना है और वहां पे इन्विजिलेटर को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये छोटी सी बातें हैं बट ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, खासकर एनटीए के लिए, क्योंकि पिछले साल बच्चे काफी परेशान हुए थे। तो आप लोग मेटालिक को लेके मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे मेटालिक डिटेक्टर होता है, तो फिर वो बिप बिप करेगा, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो आपको कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे पहले आप पहुंच जाए, ताकि ये सब मान लीजिए फंसते भी हैं तो आपका चेकिंग होगा, फिर सेटिस्फाई होने के बाद फिर आपको एंट्री कराया जाएगा फ्रेंड, ओके। और डिसिप्लिन में रहना है, और बाकी तो आप लोग होशियार हैं ही। तो ये मेरा एक छोटा सा अपडेट था, लगा कि मुझे लेके आना चाहिए था, मैं लेके आया हूँ। और कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट एस्पिरेंट्स। 20,87,449 स्टूडेंट्स इस बार अपियर होने जा रहे हैं, तो उन सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, उनका एग्जाम अच्छे से जाए। और आपको 499 सिटीज में एग्जाम सेंटर बनाया गया है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, 14 सिटीज में अरेंजमेंट किया गया आउट ऑफ इंडिया। तो उन सब बच्चों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस गुड डे। और प्लीज जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।